नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव गढ़वाल में। ये गोवाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गोवाणा सब तहसील के अंदर जो है ये गांव आता है गढ़वाल। आज हम आपके लिए ट्रैक्टर का रिव्यू लेके आए हैं, जोन डियर 5405 गियर प्रो 4x4 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का। आज इसके बारे में बताएंगे, सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स के साथ ये ट्रैक्टर है। हर चीज़ आपको इस ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे। बात करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में किसान ने बम्पर के साथ साथ जो है तेल का टैंक भी, काम दोनों जो है ये एक साथ होते हैं। 65 लीटर का फ्यूल टैंक के साथ इसका जो है बम्पर बनवा रखा है। साथ में ये बम्पर का काम भी और तेल का भी। नीचे जो किसान ने अलग से वेट रखवा रखा है, जिससे कि सुपर सीडर में आगे से हल्का ट्रैक्टर पड़ता है तो आगे से उठे ना, लगातार आगे से दब के ट्रैक्टर चले। और सामने की तरफ बात करते हैं, इसमें जॉन डियर का लोगो और दो हेलोजन लैंप के साथ ये ट्रैक्टर। नीचे की तरफ जाली, जिससे रेडिएटर पे हवा लगती रहे, ट्रैक्टर गर्म ना हो, लगातार लंबे समय तक जो है ट्रैक्टर चलता रहे। साथ में किसान ने ये अलग से फ्यूल टैंक है, इसकी अलग से जो है फिल्टर लगा रखे हैं, जिससे इसके अंदर जंग वगैरह है या और कोई चीज़ है, साफ़ सुथरा तेल जो है ट्रैक्टर तक जाता रहे। नीचे की बात करते हैं, नॉन एडजस्टेबल एक्सल के साथ ये ट्रैक्टर आता है, 4x4 फोर व्हील ड्राइव। ये अंदर की तरफ क्रॉस और ये जैक, इसका डबल एक्टिंग जैक के साथ ये ट्रैक्टर है। इसका पावर स्टेयरिंग आता है, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। सिंगल पीस बोनट के साथ ये ट्रैक्टर है। आसानी से किसान चाबी के साथ इसको सिंगल पीस बोनट को खोल सकते हैं। अंदर की तरफ हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं दो, सामने की तरफ, जिससे कि ये नीचे ना गिरे, किसान लंबे समय तक काम करता रहे या उसको सफाई करनी है तो आसानी से जो है साफ कर सकता है। सामने की तरफ इसका एयर क्लीनर, नीचे की तरफ बैटरी। और इसमें एक नया फंक्शन है कि जो डीजल है, डीजल बिल्कुल ठंडा हो गया जो इंजन तक जाता है, वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। ये इसका दिमाग बोल सकते हैं इसको, जेडी लिंक। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जेडी लिंक है, इसका क्या काम है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। जैसे ट्रैक्टर में लगातार 2 लीटर से ज़्यादा तेल एकदम से जो चला जाता है, मान लो ड्राइवर ट्रैक्टर चला रहा है या चोरी कर ली, या मान लो कहीं से पाइप लीक हो गई, तेल जो है नीचे जो है गिर गया, तो ये मैसेज देगा मालिक के फ़ोन में कि जो है इतना तेल जो है एकदम से इसने खा लिया। ट्रैक्टर गर्म होगा, गर्म होने के बाद भी मैसेज देगा कितने RPM पे ट्रैक्टर चल रहा है, हीट पे है या फिर जो है ट्रैक्टर की सर्विस का टाइम आ गया, तो ये हर चीज़ जो है उसके मालिक को मैसेज से बताएगा, हर चीज़ जो है बताएगा। अब बात करते हैं इसके सामने की तरफ, आप देख रहे हैं ये इसकी टर्बो का इंटरकूलर और पीछे की तरफ इसका रेडिएटर मोटी जाली के अंदर, और इंटरकूलर के सामने जो ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये है इसका फ्यूल, जो इसमें डीजल जो ट्रैक्टर के अंदर जाता है, डीजल लगातार ठंडा होके जो है जाए, लगातार ठंडा होके चलता रहे, जिससे कि आपका पंप भी ना मरे और जो है एवरेज अच्छी दे ट्रैक्टर। इस वजह से जो है ये यहाँ पे इंटरकूलर के सामने लगा रखा है। नीचे की तरफ 12 वोल्ट की बैटरी और अलग से कूलेंट के लिए अलग से जो है बोतल दे रखी है, जिससे हॉट लेवल, हॉट में कितना होना चाहिए और कोल्ड में कितना होना चाहिए, ठंडा और गर्म कितना जो है इसका लेवल होना चाहिए। अब जैसे ट्रैक्टर ठंडा है तो यहाँ तक इसमें भरा हुआ है कूलेंट। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है ये। इसके अंदर ढोलकी और ये टर्बो साथ में दे रखी है, टर्बो का इंटरकूलर हमने दिखाया। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 63 HP का, 3 नोजल लगी हुई है, 1, 2 और ये 3, 3 नोजल का 3 सिलेंडर 63 HP ट्रैक्टर है। सामने की तरफ फैन बेल्ट और इसका फैन, जिससे कि ट्रैक्टर ठंडा चलता रहे, पानी इसका ठंडा होता रहे। और वाटर कूल्ड इंजन के साथ ये ट्रैक्टर है। नीचे की तरफ इसमें फिल्टर दे रखे हैं, जिससे तेल साफ सुथरा पंप तक जाए, पंप मरे ना, लगातार लंबे समय तक चलता रहे। पीछे की तरफ ये गार्ड दे रखे हैं, जिससे गर्म हवा किसान तक ना जाए, लंबे समय तक किसान काम करता रहे बिना किसी परेशानी के। और ये इसके पायदान, नीचे की तरफ फुटस्टेप, सिंगल फुटस्टेप के साथ ये ट्रैक्टर आता है। और ये डबल क्लच के साथ ट्रैक्टर है, एक क्लच ये है और PTOE क्लच अलग से यहाँ पे दे रखी है। ABCD गियर के साथ ये ट्रैक्टर आता है। आप इसको 540 और 540E या फिर 1080 जो है गियर में आप इसको यहाँ पे PTO से आप चक्कर जो है बना सकते हैं। एडजस्टेबल सीट और किसान स्टेयरिंग को भी जो है एडजस्ट कर सकता है, यहाँ से ऊपर नीचे इस लीवर को करके। इसमें ये इसका इंडिकेटर का और पार्किंग स्विच दोनों दे रखे हैं। ट्रैक्टर को बंद करना है तो यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। बात करते हैं पिछले टायरों की, 16-39 के इसके पिछले टायर हैं। हैवी मुरगाड के साथ जो है ट्रैक्टर है, साथ में ये ग्रिल दे रखी। और पीछे जो है ये जगतजीत का 8 फुटी सुपर सीडर पे ट्रैक्टर है। पीछे ये इसकी PTO सपोर्ट के साथ इसमें कनेक्ट है और सिंगल साइड एडजस्टेबल आर्म के साथ ये ट्रैक्टर है। डबल डिस्ट्रीब्यूटरी वाल और ये डंडा, पीछे 65 लीटर का फ्यूल टैंक
और ये यहाँ से आप इसके गेयर का नीचे जो है तेल यहाँ से देख सकते हैं, डाल भी सकते हैं, माप भी सकते हैं। पीछे किसान को परेशान ना होना पड़े लिफ्टों को कंट्रोल करने का, यहीं पे स्विच दे रखा है। और टायरों में स्क्रैच ना आए इसके लिए यहाँ से आप किसान इस सुराख जो है आगे पीछे करके जो है इधर उधर जो है लिफ्ट ना जाएं कल्टीवेटर में, यहाँ पे आप किसान इसको एडजस्ट कर सकता है। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। पीछे जो है इसकी इंडिकेटर लाइट और ब्रेक लाइट और फाइबर छतरी के साथ ऊपर किसान ने पंखा लगवा रखा है, जिससे लंबे समय तक किसान बिना रुके थके जो है चलता रहे। एडजस्टेबल सीट साथ में जो है आर्म रेस्ट दिया गया है, किसान अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। साथ में ये पोजीशन लीवर, ड्राफ्ट लीवर और ये फोर व्हील ड्राइव है तो उसका ये यहाँ पे लीवर दे रखे है। आप इससे फोर व्हील ड्राइव, टू व्हील ड्राइव में आप इसको कर सकते हैं। ये इसके गेयर 1, 2, 3 और ये आर मैंने रिवर्स, पी मैंने यहीं पे जो है इसके हैंड ब्रेक होते हैं, हैंड ब्रेक यहीं से आप इसके लगा सकते हैं। और ये इसका क्लस्टर मीटर, ये इसका डीजल टैंक का, ये इसका आरपीएम मीटर और ये इसका टेम्परेचर का। नीचे जो है इसका डिजिटल क्लस्टर मीटर के साथ ये 12 वोल्ट का यहाँ पे आप फोन मोबाइल को जो है चार्ज कर सकते हैं। ये हाथ वाली रेस, पावर स्टेयरिंग, सिंगल पीस बोनट के साथ ये ट्रैक्टर है। साइड में जो है साइलेंसर दिया हुआ है, साइड माउंटेड साइलेंसर के साथ ये ट्रैक्टर है। नीचे की तरफ ये ब्रेक पेडल, ये पीछे देखने के लिए मिरर। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है, किसान अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है स्टेयरिंग को ऊपर नीचे। बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। साथ में ये इसकी अल्टरनेटर जिसे बैटरी चार्ज होती है, ये इसका पंप हाइड्रोलिक का और लिफ्टों का, साथ में वाटर सेपरेटर, ये स्लब, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। साथ में ये इसका फैन, फैन बेल्ट। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। नीचे की तरफ पीछे जो गेयरबॉक्स है, गेयरबॉक्स से पीटीओ आती है जो इसको फोर व्हील ड्राइव बनाती है, उसके लिए कवर दे रखा है जिससे इसमें कट्टा पल्ली या फिर फांस वगैरह जो है इसमें नहीं उलझेंगे लगातार लंबे समय तक, बिना मेंटेनेंस के ट्रैक्टर चलता रहेगा। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। ये इसका हाइड्रोलिक का फिल्टर, ये जो इसको 4x4 बनाना है तो इस लीवर की मदद से आप इसको 4x4 में जो है ट्रैक्टर को चला सकते हैं। बहुत ही शानदार और जानदार आवाज के साथ ट्रैक्टर है। बहुत ही शानदार और जानदार ट्रैक्टर की आवाज है। आप इस ट्रैक्टर के ओनर से मिलवाते हैं, वो आपको इस ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो ट्रैक्टर आपने लिया था जी, ये इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर था आपके पास? इससे पहले 53-10 था भाई, जॉन डियर का। उसके बाद फिर आपने ये जॉन डियर 5405 ले लिया। इसमें क्या खास बात लगी आपको? भाई हमने बड़ा बड़ा ट्रैक्टर चाहिए था, तो जो लोड खासकर 4x4 भी चाहिए था, सुपर सीडर भरा एप्लीमेंट आ गए तो इस कारण बड़ा ट्रैक्टर चाहिए और थोड़ा हैवी चाहिए भाई। तो ये 63 HP का है, सुपर सीडर पर बढ़िया चल रहा है। और तेल वगैरह की एवरेज जी इसके बारे में? की एवरेज है भाई इसकी 8 लीटर की, तो मान के चलो। और धरती पे भी बात है, घाट भी खा लेगा, बाद भी खा लेगा। और आपने इसको किस किस चीज पे चलाया जी? जैसे तकरीबन सारी चीज आप चला लिया। तो कल्टीवेटर में क्या एवरेज आती है जी इसकी ट्रैक्टर? भाई 2.25 लीटर का। और कितने फाड़े का जो कल्टीवेटर आप यूज करते हैं? पहले 13 का था, 11 का कर लिया, क्यों रास्ते भी डे, रास्ते का चक्कर है। और एरो में जी, एरो में कितनी एवरेज इतना है? एरो में खा है, जो गिल्ली मिट्टी है ना उसमें कम खा है। तो ये जो जॉन डियर आप लगातार जॉन डियर ले रहे हैं, जॉन डियर पे आपकी मतलब किस तरीके से आप इस पे देखते हैं कि जॉन डियर टूट फूट को ना, इस वजह से आप जॉन डियर चलाते हैं? बाहर खड़ा कर दे, भीतर खड़ा कर दे, इसमें छावा की भी जरूरत ना है, मकान बनाना ट्रैक्टर खातिर जरूरी है, कोई जरूरत नहीं इसमें, चाहे बाहर खड़ा कर। और जंग वगैरह तो लगता ही नहीं, पेंट की पकाई बढ़िया है। और किसानों कोई संदेश जी आपका? किसानों कोई नहीं भाई, संदेश तो सब बर्थ के देख लो, किसी मांग के देख लो, गांव में कदा तो ट्रैक्टर पाओगा, चलता देख लो। ठीक,
दोस्तों ये थे इस ट्रैक्टर के ओनर, जिन्होंने इस ट्रैक्टर के बारे में बताया। एक ये सामने जो फ्यूल टैंक जो आपने रखवा रखा है और साइड में फिल्टर लगवा रखे हैं, ये किस वजह से? ये एक्स्ट्रा लगवाया था हमने, जो करे भाई दिन रात चल जाए ट्रैक्टर, ढोना ना पड़े। एक खेत मंगा लेंगे नु ला लो 100 ग्राम भी खंडेगा तो नुकसान अपना ही होया। एक ये फिल्टर नो लगवाए भाई, जो इसके कंपनी दे है प्लास्टिक की टंकी, और लो वाले में किद्दे भी देख लियो थोड़ा मोटा जंग बनाए मैंने तो मंगा भाई, दो एक्स्ट्रा फिल्टर और लगवाए थे अपने। दोस्तों ये फिल्टर यहाँ पे हमने बताया था अलग से, जो किसान ने फिल्टर लगवा रखे हैं, हमने और भी वीडियो बनाई, हमने ऐसा फिल्टर नहीं देखा, ये पहली बार हम फिल्टर देख रहे हैं। ये बहुत ही ज्ञान की बात है जो पंप में बिना मेंटेनेंस के चलता रहे। क्यों कंपनी 5 साल की गारंटी देवा भाई, 5 साल की गारंटी अपनी तरफ से क्यों कमी देवा, कंपनी आता दोष नहीं। ठीक बात, साधन खराब होगा हमारा होगा, पैसे लागे हमारे लागे, कंपनी तो भुगती दी ही भुगतेगी। और एक जो गियर बॉक्स की बात कर रहे थे जी, कौन से गियर बॉक्स के साथ ये ट्रैक्टर आता है? सिंक्रोमैक्स गियर में। इसका क्या फायदा होता है? इसमें भाई आगे भाज रहा वैसे तो पाछा ला दे, कोई टूट फूट नहीं, कोई टूट फूट नहीं, कोई आवाज नहीं। और ये जो गियर प्रो के साथ ये ट्रैक्टर आता है जी, इसका क्या मतलब है? गियर प्रो में 4 आइलो हो जाए, ABCD। हाँ, JD लिंक है इसमें, जो करे ललो हमने जो बताया था वो तेल का और जो है सर्विस का वो चीज हमने जो बताई थी होगा कि चल रहा है, लोकेशन दे होगा GPS वाली, अरे तेल चोरी हो जाएगा खंड जाएगा कोड नाली पैट जा, डीजल भी हाइड्रोलिक की नहीं, डीजल डीजल की बताओ, गर्माइश कितनी है, कितनी रेस पर चला रहा है, और स्पीड चला रहा है, लो स्पीड चला रहा है, कंडे की चला रहा है, डैशबोर्ड मेरे फ़ोन में कनेक्ट हो जाए, हर चीज़ आपको पता लग जाती है। दोस्तों हमने ट्रैक्टर दिखाया, हर चीज़ आपको बताई, अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमने हर HP के ट्रैक्टर की वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ जाके जो है देख सकते हैं, सुपर सीडर की मशीन की, मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर की, ट्यूबल लगाने वाली मशीन की, हर चीज़ की हमने जो अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।